बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़कत और मौजूद हूं एनएक्स किचन में आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बहुत ही ज़बरदस्त से हम बना रहे हैं। आज चिकन बन बनाएंगे, लेकिन इन बन्स को हम करेंगे फ्राई। और दो तरह से मैं फ्राई करूँगा, एक हम नॉर्मल ऑयल में फ्राई करेंगे और एक फ्राई करेंगे एयर फ्रायर में। तो दोनों तरीके हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने चॉपर ले लिया है और अब इसमें हम अपना डो है वो तैयार करेंगे। अच्छा, उसके लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2 कप मैं यूज़ कर रहा हूँ मैदा। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट, ठीक है, और नमक। ठीक है जी, तो हमारे पास डो तैयार हो गई है। और आप इसको हम किसी भी एयर टाइट जो है आप बॉक्स ले लें, ठीक है, एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको रख दें। और ये कम से कम भी आपने इसको रखना है ऐसी जगह जहाँ हवा ना लगे, ठीक है। और ये कम से कम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में फूल जाएगा और जितना ये है इससे डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे हम। चिकन मेरे पास मौजूद है जिसको हमने बॉयल कर लिया है और उसको अब हमने शर्ट करना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या, आपने इसको चॉपर में डाल दीजिए। चिकन को हमने चॉपर में शर्ट कर लिया और उसके बाद अब इसी में हम तमाम चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास मौजूद है बारीक चॉपी हुई शिमला मिर्च, प्याज, ये हम ऐड कर देंगे। हम यूज़ करेंगे इसमें नमक, हल्का सा हम यूज़ कर रहे हैं चाट मसाला, और ब्लैक पेपर। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस। तमाम चीज़ों को हमने डाल दिया है चिकन में और अब इसको, और ये हमारी फिलिंग जो है वो हो गई है तैयार। फिलिंग हमारे पास तैयार है और यहाँ पर आटा भी हमारे पास डन हो गया है। और अब हम इसके बन बनाएंगे, ठीक है, सिंपल। जिस भी साइज़ के आपने बन बनाने हैं उतना आप इसका पेड़ा लेंगे। उसके बाद पेड़े को इस तरह से हम खोल लेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें गैप देंगे, ठीक है। ये देखिए, गैप देने के बाद अब इसमें हम रखेंगे अपनी चिकन की फिलिंग। अच्छा, इसमें आप चाहें तो चीज़ का भी एडिशन कर सकते हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस वक्त सिंपल बना रहा हूँ, आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब इसको आपने, ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बन बनाते हैं उसी तरह आपने इसको रोल करना है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से नीचे से पैक आपने इसको लॉक करना है। और ये हमारे पास बन की शेप हमने दे दी, ठीक है। इसको हम रखे जाएंगे, उसके बाद हम इसको रखते हैं एयर फ्रायर में। ये जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं जो ऑयल में फ्राई नहीं करना चाहते, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ये एयर फ्रायर। बगैर ऑयल के फ्राई करेंगे, सिर्फ पैन में नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए ताकि ये सरफेस पे चिपके नहीं। उसके बाद हमने इनको रख देना है अपने सरफेस पे, थोड़ा सा गैप देके रखिएगा ताकि ये थोड़े फूलेंगे। इसको बंद करते हैं। टेम्परेचर तकरीबन 15 मिनट्स में दे रहा हूँ और टेम्परेचर हम दे रहे हैं इसको 150। चलिए, ये हमारे पास फ्राइंग के लिए चले गए। अब हम और बना लेते हैं ताकि हम ऑयल में फ्राई कर सकें। बंद हमारे पास तैयार हैं और ऑयल हमारे पास रेडी हो चुका है। और अब इनको हम खा के दोबारा से शेप देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ऑयल में ऐड कर देंगे इनको फ्राइंग के लिए। अच्छे से हिलाते जाइए ताकि इक्वल हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त हमारे पास ब्राउन कलर आ गया है, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास फ्राई बन तैयार है। इसी तरह हम बाकियों को भी डन कर लेंगे। चिकन फ्राई बॉल्स जो हमने फ्राई किए हैं वो रेडी हैं और अब हमने बगैर ऑयल के जो फ्राई होने के लिए रखे हैं वो भी तकरीबन तैयार हैं और उनको भी हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए, ज़बरदस्त हमारे पास फ्राई हो चुकी हैं। और आप जानते हैं एयर फ्रायर में जब कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसका जो कलर है वो एग्जैक्ट वैसा नहीं आएगा जो हम फ्राइंग के वक्त करते हैं, उससे लाइट रहता है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि ये फ्राई हुए हुए हैं। ये देखिए, और ये हमारे पास बहुत तैयार हो गए लाइट कलर के जो हैं एयर फ्रायर में। विदाउट ऑयल हमने फ्राई किए हैं और जो कलर वाले हैं वो हमने फ्राई किए हैं आप लोगों के लिए। और इसको सर्व कीजिए आप केचप के साथ, ग्रीन चिली जो चटनी होती है उसके साथ, मायोनीज, कोई भी डिप के साथ आप इसको किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। एयर फ्रायर में ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा एनएक्स के एयर फ्रायर में। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मजीद रेसिपीज के साथ होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। इजाजत दीजिए, सलाम। बसाने हैं एनएक्स से।